जी नमस्कार, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाय। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बड़ा आसान चैप्टर है और बच्चों को तो बहुत इजी लगता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 एनसीईआरटी का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करें। बड़े मज़े से और बड़ी ताका झाकी करके इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आप इस चैप्टर की आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। देखो, इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी मतलब यहाँ से हर साल नीट में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नीट 2019 की बात करोगे तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आए थे दो, ठीक है। और 18 और 17 में पीछे देखोगे तो वहाँ पर एक एक क्वेश्चन है और कहीं नहीं भी है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। मतलब एक दो क्वेश्चन है एवरेज, अपन मान सकते हैं कि इतना इसमें से आता है, ठीक है। और मैंने बोला कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो एक दो क्वेश्चन होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप अगर ध्यान से एक बार पढ़ के चले जाओगे इसको एनसीईआरटी से और ये नोट्स से, ये जो नोट्स हैं ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी से ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं है, बस उसके आसपास का मैटर उतना ही है। तो वो अगर आप पढ़ के चले जाओगे ना, तो कोई ज़्यादा वो मतलब हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो बड़ा इजी होता है ये। और मतलब हम तो यार पीएचडी किए हुए होते हैं इसमें, पहले से ही बच्चे नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जिज्ञासा ये जानने की होती है कि मैं कैसे पैदा हुआ, तो वही जिज्ञासु चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करें। जब इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम से कुछ नाम आएगा। फैमिली प्लानिंग, ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? यार ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा हो देखा, दो बच्चे दो ही अच्छे, है ना, ऐसे कुछ कोट्स लिखे हुए देखे ना, ये इसी के फल है। ये जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है ना, इसने 1951 के अंदर, 1951 में, कब इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। भारत देश ऐसा पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। अब ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्यों लॉन्च किया, क्या करना था हमें ये लॉन्च करके? देखो, इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, मतलब क्या है कि इन प्रोग्राम्स के तहत लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको सेक्सुअल एजुकेशन दी जाए, उनको सेक्स एजुकेशन दी जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे जो उनमें उन्होंने मिसकॉन्सेप्शंस और माइथ्स अपने दिमाग में डेवलप कर रखे हैं, तो उनका खात्मा होगा, उनको सच्चाई पता चलेगी, हाँ यार एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए 1951 के अंदर, जिनके तहत अनवांटेड बर्ड्स को कंट्रोल किया जा सके। ये कैसे किया जा सकता है भाई? लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करें, जैसे मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान कुछ ऐसे जुगाड़ लगाया जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट से मिल नहीं पाए, मतलब जो मेल का जो इजैकुलेट है वो वजाइना तक ना पहुंच पाए, पहले ही कहीं रुक जाए, तो ऐसा कोई जुगाड़, तो वो जुगाड़ पढ़ना है हमें चैप्टर में। तो वो उस तरीके से हाँ क्या हो सकता है कि अनवांटेड बर्ड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, जैसे मान लो कि एक कपल है, उसका एक बच्चा हुआ शादी के 2 साल बाद, ठीक है। तो अब क्या, शादी के 2 साल बाद बच्चा हुआ, जैसे ही मतलब नॉर्मल हुई वुमेन पार्चुरेशन के बाद बच्चा हो गया, उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट ईयर एक और बालक को उन्होंने जन्म दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा मानना है या फिर ये लॉजिकल बात है कि जो दो बेबीज़ होते हैं उनके बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो फर्स्ट वाला बेबी है, जो अभी छोटा ही है, उसकी माँ अच्छे से देखभाल कर पाए, और जब वो थोड़ा बहुत सशक्त होने लगे, सशक्त मतलब थोड़ा बहुत उसका डेवलपमेंट हो जाए, उसके बाद में जब दूसरा बेबी हो तो उसका भी अच्छे से ध्यान रखा जा सके, ताकि पहले वाले का अच्छा डेवलपमेंट हो। तो ये इसके तहत किया जाना था, रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। ये डिसाइड किया जाना था कि फैमिली के अंदर, एक आइडियल फैमिली के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए, दैट जस्ट टू, दो बच्चे दो ही अच्छे हैं। सो ये है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर तो लोगों ने वन चाइल्ड नॉर्म अपना रखी है, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े नहीं। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हम ही ऐसे थे जिनको सबसे पहले चिंता हुई कि देश का क्या होगा, पॉपुलेशन का क्या होगा। सोचो, हमने इतनी चिंता की, फिर भी हम पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर हैं यार,
देखो चिंता करते हुए ऐसा हो रहा है, और अगर चिंता नहीं करते तो क्या होता, सोचो। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, ये मैंने बता दिया आपको। और ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, इनके तहत क्या किया जाना था? सबसे पहला काम, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके, उनको अच्छा एजुकेशन दिया जा सके। अगर मान लो कि कम बच्चे होंगे, जैसे दो बच्चे हैं, दो बच्चों का क्यों, पहले 11 11 बच्चे होते थे, तो 11 12 पूरे इतने बच्चे होंगे, तो फिर क्या एक जो पेरेंट्स होंगे, क्या वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे, क्या अच्छे से संभाल पाएंगे? मान लो अब ये कौरवों के टाइम पे 100 100 थे, तो उनके क्या मतलब, उनकी मम्मी को नाम भी याद रहते थे क्या कि ये मेरे बच्चे हैं? इट्स लाइक यार, बड़ी नेचुरल सी बात है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, इनमें आगे चल करके रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी आगे लॉन्च किए गए। उसके बाद में आपको एक वर्ड जानने को मिलेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? ऐसे मेथड्स विच प्रिवेंट अनवांटेड बर्थ या फिर प्रेगनेंसीज। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जो मेल एजुकेलेट है और फीमेल में जाने से उसको रोक पाए, ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं, तो वो जुगाड़ है ना, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो वो अलग अलग मेथड्स हैं, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोला जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड बर्थ्स या फिर प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने में काम आए, दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एंड अगेन, एनसीईआरटी आपको ज्ञान देना चाहती है, आपको बताना चाहते हैं लोग कि है ना, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो कैसा होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली बात, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए अच्छे से, मतलब समझ रहे हो, यूज़र फ्रेंडली, ईजीली अवेलेबल, आराम से दुकान पर मिल जाना चाहिए। आज दुकान पर आप जाके पूछो, भैया कॉन्डम देना, वो जस्ट हिल गिव यू। हर दुकान पर अवेलेबल है, हर जगह पोस्टर लगे रहते हैं, तो ईजीली अवेलेबल, एक्सेसिबल, ईजिली अवेलेबल, चीप भी है, और यूज़र फ्रेंडली है, इफ़ेक्टिव है, काम भी करता है, समझ रहे हो, काम भी करता है, और साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके नेगलिजिबल होने चाहिए। ऐसा इन्होंने माना कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो नेगलिजिबल होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। ओके, ये हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रॉपर्टीज़। हाँ, एक प्रॉपर्टीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी लाइक कि इट डज नॉट इंटरप्रेट, या फिर वो मतलब इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए जो यूज़र का जो सेक्सुअल ड्राइव है, उसका जो मज़ा है, उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। ओके, समझ रहे हो। ओके, सो ये मैं बात आपको यहाँ से बताना चाह रहा था, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये आप याद रखना, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किए गए थे, 1951 के अंदर। ओके, तो ये जो अभी चैप्टर है, आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें हमें पढ़ना क्या है, हमें जस्ट इसी पे फोकस करना है। अभी ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, मेथड्स हैं, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना है कि ये कौन कौन से होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए, देखते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगला पार्ट ज़रूर देखना। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। ओके।